हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोलो टेल। और आज की जो हमारी मूवी है उसका नाम है नैंसी ड्रू। ये मूवी साल 2007 की एक डिटेक्टिव मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी की कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि आखिर किस तरह एक टीनेजर लड़की ने हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी महान एक्ट्रेस के मर्डर के पीछे का राज सुलझाया। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कुछ ही देर में ये मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम नैंसी ड्रू को देखते हैं जो कि एक 17 साल की टीनेजर लड़की होती है, पर उसे मर्डर मिस्ट्री वगैरह सुलझाना बहुत ही पसंद होता है और इसलिए वह अपने छोटे से शहर रिवर राइट्स में रहकर वहां के कई सारे रहस्यों को सुलझाती है और वहां पर रहने वाले क्रिमिनल्स को पकड़ती है। हाल ही में नैंसी वहां के दो चोरों को चोरी करते वक्त पकड़ती है और उन्हें शेरिफ के हवाले करती है। शेरिफ भी नैंसी से बहुत खुश होते हैं, लेकिन नैंसी के फादर मिस्टर कार्सन ड्रू नैंसी की इस आदत से बहुत परेशान होते हैं और अक्सर उसे मर्डर मिस्ट्री छोड़कर एक आम टीनेजर की तरह अपनी लाइफस्टाइल जीने को कहते हैं। लेकिन नैंसी को रहस्य सुलझाना बहुत ही पसंद होता है और वे इसे नहीं छोड़ना चाहती। पेशे से नैंसी के फादर मिस्टर ड्रू एक लॉयर होते हैं और रिवर राइट्स में कुछ समय बिताने के बाद वे लॉस एंजलिस में एक घर किराए में लेते हैं किसी काम के सिलसिले से, और कुछ ही दिनों में वे वहाँ नैंसी के साथ शिफ्ट हो रहे होते हैं। लेकिन नए शहर में जाने के लिए नैंसी बिल्कुल भी तैयार नहीं होती, क्योंकि उसके इस शहर में ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो उसका अक्सर क्राइम्स वगैरह सुलझाने में हेल्प करते हैं और उन्हें नैंसी छोड़ना नहीं चाहती। खैर, नैंसी के उन्हीं फ्रेंड में से एक नेड होता है जो कि नैंसी का बहुत खास दोस्त होता है। नैंसी नेड को बताती है कि उसे ये शहर छोड़कर बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन मजे की बात यह है कि वह कई सालों से इसी शहर में रहकर यहाँ के रहस्य सुलझाकर बोर हो चुकी है, पर अब वह हॉलीवुड यानी लॉस एंजलिस जा रही है जहाँ पर वह कुछ नया करेगी और वहीं की मिस्ट्री सॉल्व करेगी। ऐसा कहकर नैंसी आगे बताती है कि जहाँ उसके फादर ने नया घर लिया है, दरअसल वह घर बहुत टाइम पहले एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड स्टार मिसेस ट्रैकोट का हुआ करता था और करीबन 20 साल पहले मिसेस ट्रैकोट की लाश एक पार्टी के वक्त पूल में तैरती हुई मिली और उन्हीं के मौत का रहस्य सुलझाने के लिए नैंसी ने अपने फादर को बगैर कुछ बताए इस जगह पर घर लेने का सुझाव दिया था और आज ही से वह वहां जाकर अपनी तहकीकात शुरू करेगी। नैंसी नट को इतना बता ही रही होती है कि तभी उसके फादर आ जाते हैं और अब नैंसी अपने फ्रेंड्स और नट को बाय करके अपने फादर मिस्टर ड्रू के साथ हॉलीवुड की ओर निकल जाती है। पर हॉलीवुड जाते जाते नैंसी का मन बदलने लगता है और फिर वह मन बना लेती है कि अब वह सच में मर्डर मिस्ट्री में इतना ध्यान नहीं देगी और जैसा कि उसके फादर चाहते हैं वैसे ही वह अपनी लाइफस्टाइल बाकियों की तरह नॉर्मली जिएगी। फिर जब ये दोनों घर देखने जाते हैं तभी बीच रास्ते में उन्हें एक लेडी रोकती है और इस लेडी का नाम बारबरा बारबरा होता है और असल में यही अब इस घर की मालकिन है जो अपना ये घर लोगों को किराए में देती है। वह उन्हें घर दिखाती है और बताती है कि ये घर मिसेस रेकॉर्ड की पुरानी तस्वीरों और फिल्मों से भरा पड़ा है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं जिनमें सिर्फ पूरे दिन मिसेस रेकॉर्ड की ही फिल्में चलती रहती हैं। ऐसा कहकर बारबरा उन्हें इस घर के पुराने केयरटेकर मिस्टर जॉन लेसिंग से मिलवाती है। जॉन लेसिंग दिखने में काफी डरावने होते हैं और नैंसी उन्हें पहली बार देखते ही डर जाती है। खैर, फिर बाद में नैंसी को उसी केयरटेकर मिस्टर जॉन लेसिंग के बारे में बहुत कुछ पता चलता है, जैसे कि वह यहाँ पर तब से काम कर रहे हैं जब से यहाँ मिसेस रेकॉर्ड रहा करती थी। साथ ही जॉन इस घर के कोने कोने से वाकिफ हैं और हो सकता है कि जॉन ने ही मिसेस रेकॉर्ड को मारकर उनकी लाश को घर के किसी सीक्रेट दरवाजे से होते हुए पूल के पास फेंक दिया हो। लेकिन फिर नैंसी इन सब से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करती है और खुद से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसकी कल्पना है, असल लाइफ में कोई सीक्रेट डोर नहीं होता। ऐसा सोचकर नैंसी इन बातों को भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी से उसके साथ उस घर में कुछ स्ट्रेंज होने लगता है। जैसे वह जो फाइल्स इन्वेस्टिगेशन के लिए लाई थी वे सारी फाइल्स गायब हो जाती हैं और साथ ही उसके ऊपर वाले बेसमेंट से लगातार कुछ आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि कोई उसके बेसमेंट में बार बार आता हो। जब वे चेक करती है तो उसे उस बेसमेंट में एक बुक मिलती है जिसमें एक बहुत पुराना लेटर दबा हुआ होता है। जब नैंसी उस लेटर को देखती है तो पाती है कि वो लेटर दरअसल मिसेस रेकॉर्ड ने लिखा था जब वे जिंदा थी और मिसेस रेकॉर्ड ने वो लेटर किसी डी नाम के अनजान आदमी को लिखा था। खैर, उस लेटर में लिखा होता है कि वह मिस्टर डी यानी उस अनजान आदमी से माफी मांगती है कि वह उससे उस रात मिलने नहीं आ सकी। अगर इस आखिरी हफ्ते उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें अब अपनी पूरी वसीयत बदलवानी पड़ रही है और ये बहुत जरूरी है। उस लेटर में बस इतना ही लिखा होता है। ये लेटर पढ़कर नैंसी और भी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है और खुद से बात करने लगती है। वह कहती है कि आखिर उन्होंने वो लेटर किसे लिखा और वह अपनी वसीयत किसके नाम करवाना चाहती थी, क्योंकि उनकी तो किसी से शादी भी नहीं हुई थी। साथ ही अगर वो वसीयत कहीं है तो आखिर कहाँ है। नैंसी बस यही सवाल अपने दिमाग में बार बार दोहरा रही होती है।
लेकिन वह फिर से इन सब के बारे में सोचना बंद करती है और अपने नए स्कूल के बारे में सोचने लगती है जहाँ वह कल जाने वाली है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी अपने नए स्कूल में होती है, मगर वहाँ पर उसका कोई दोस्त नहीं बनता क्योंकि वह बिल्कुल साफ सुथरी रहना पसंद करती है और उसका फैशन वहाँ के लोगों के हिसाब से बहुत पुराना होता है। साथ ही वह उन लोगों से ज्यादा बात भी नहीं करती। लेकिन फिर तभी हमें क्रोकी नाम के 10 साल के क्यूट बच्चे को दिखाया जाता है जो कि कहीं दूर बैठा नैन्सी को फ्लर्ट कर रहा होता है और नैन्सी उसे ही देख रही होती है। मगर तभी क्रोकी देखता है कि उसी के बगल में बैठी दो लड़कियों ने चलाकी से उसका कपकेक चुरा लिया है, तो क्रोकी उनके पास जाकर उसे नैन्सी का कपकेक वापस देने को कहता है, पर वे दोनों वो कपकेक उसी के चेहरे पर मार देती हैं। और यहीं से हमें पता चल जाता है कि दरअसल क्रोकी उनमें से किसी एक का छोटा भाई है और दूसरी क्रोकी की बड़ी बहन की दोस्त है। फिर आगे उस दिन से ही वे दोनों मिलकर नैन्सी को परेशान करने लगते हैं, पर नैन्सी इसका बुरा नहीं मानती। मगर एक दिन जब उनके स्कूल में मैच चल रहा होता है तभी क्रोकी अचानक से बेहोश हो जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। ये देखकर क्रोकी की सिस्टर बहुत घबरा जाती है और पूछती है कि क्या किसी को यहाँ पर CPR देना आता है, तो नैन्सी अपना हाथ खड़ा करती है और क्रोकी की तरफ उसे CPR देने आगे बढ़ती है। दरअसल CPR एक इमरजेंसी प्रोसीजर को कहते हैं जो एक आदमी अपने माउथ के जरिए दूसरों की रुकी हुई ब्रीथिंग को ठीक करने के लिए देता है और यहाँ नैन्सी भी क्रोकी के साथ यही करने वाली होती है। लेकिन तभी क्रोकी जाग जाता है और हंसने लगता है। क्रोकी के साथ ही वहाँ पर बैठे सभी लोग हंसने लगते हैं और इनमें उनकी बहन भी शामिल होती है। फिर नैन्सी को पता लग जाता है कि ये लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे थे और अब नैन्सी निराश होकर स्कूल छोड़ देती है और स्कूल की जगह वह फिर अब अपना ध्यान उसी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगाती है। लेकिन तभी उसका डोर नॉक होता है और जब वह डोर ओपन करती है तो बाहर क्रोकी खड़ा होता है। क्रोकी यहाँ नैन्सी से किए गए अपने उस प्रैंक के लिए माफी मांगता है और बताता है कि ये सब उसे उसकी उन शैतान सिस्टर ने करने को कहा था और वह उन दोनों के बहकावे में आ गया, तो नैन्सी उसे माफ कर देती है और कहती है कि उसे उस टाइम पर थोड़ा बुरा लगा था लेकिन अब सब ठीक है। ऐसा कहकर नैन्सी उसे अपने कमरे में ले जाती है जहाँ पर वह उसे कई सारे फोटोग्राफ्स दिखाती है और वह फोटोग्राफ मिसेस रिकॉर्ड्स की आखिरी फिल्मों से होते हैं। खैर नैन्सी बताती है कि फिल्मों में कई बार पहले लिए गए शॉट्स फिल्म की एंडिंग में दिखाए जाते हैं, वहीं कभी कभी बाद में लिए गए शॉट्स को एडिट करके फिल्म की स्टार्टिंग में डाले जाते हैं और ये फिल्मों की लोकेशन पर डिपेंड करता है और उन्हीं फिल्मों की लोकेशन को समझकर उसने ये फोटोग्राफ्स एक सीक्वेंस में अरेंज किए हैं। और उसे उन फोटोग्राफ से एक पैटर्न पता चला और वो ये था कि शूटिंग खत्म होते होते मिसेस रिकॉर्ड के ज्यादातर शॉट्स ऊपरी हिस्से के लिए गए जबकि स्टार्टिंग में उनकी पूरी बॉडी को दिखाया गया। तो इससे नैन्सी निष्कर्ष निकालती है कि शायद फिल्म शूट करते करते इसी दौरान किसी ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया और उनकी प्रेगनेंसी को छिपाने के लिए ज्यादातर ऊपरी हिस्से के शॉट्स रखे गए। हो सकता है कि उनका किसी के साथ कोई रिश्ता हो या फिर उनका कोई सीक्रेट लवर हो। ऐसा कहकर नैन्सी डिसाइड करती है कि वह क्रोकी के साथ मिलकर मिसेस रिकॉर्ड के बच्चे को निकालेगी और इसके लिए अगले ही दिन से नैन्सी अपने इस काम में लग जाती है और लोगों से इस बारे में पता करने लगती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर उसी रात नैन्सी जॉन के कमरे में जाकर एक प्रोजेक्टर में मिसेस रिकॉर्ड की फिल्में लगाकर देखती है ताकि वह उस अनजान शख्स तक पहुंच पाए। लेकिन तभी वहां पर मिस्टर जॉन लैशिंग आ जाते हैं और नैन्सी को उसके यहां पर आने से डांटते हैं, लेकिन नैन्सी उनसे माफी मांगती है और बड़ी चालाकी से उनसे तहकीकात करती है। नैन्सी को उनसे पता चलता है कि असल में मिस्टर जॉन लैशिंग पहले मेट्री में काम करते थे जिसके बाद वे स्टूडियो में काम करने लगे, लेकिन फिर मिसेस रिकॉर्ड का ज्यादा काम करने की वजह से वे यहीं रह गए और यहाँ के केयरटेकर बन गए। बातों ही बातों में उस रात मिस्टर जॉन लैसिंग नैन्सी को ये भी रिवील कर देते हैं कि उनका दिल एक बार मिसेस रिकॉर्ड पर आ गया था क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और वह किसी का भी दिल चुरा सकती थी। नैन्सी जॉन से इतना जानकर अपने कमरे में लौट जाती है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अब नैन्सी को एक लेडी मिलने आती है जिसे ठीक 20 साल पहले यानी मिसेस रिकॉर्ड के मरने के बाद अडॉप्ट किया गया था। साथ ही उस लेडी का चेहरा भी मिसेस रिकॉर्ड से मिलता था, तो नैन्सी समझ जाती है कि वही मिसेस रिकॉर्ड की वारिस है और उसका नाम जैना है। नैन्सी जैना को बताती है कि अगर उन्होंने उसकी मदर की वो वसीयत ढूंढ निकाली तो कानूनन उनकी सारी जायदाद उसकी हो जाएगी। जैना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उस वसीयत को ढूंढ पाना इतना आसान नहीं होता और इसलिए नैन्सी अपने फादर के बिजनेस एसोसिएट मिस्टर वाइडमेयर से बात करती है। दरअसल मिस्टर वाइडमेयर बहुत सालों पहले मिसेस रिकॉर्ड की लॉयर हुआ करते थे और वही मिसेस रिकॉर्ड की वसीयत और बाकी कागजातों को संभालते थे, मगर जब नैन्सी उनसे मिलती है तो वह उससे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि वह बहुत बिजी होते हैं और अपना कार्ड थमाकर चले जाते हैं। इसके बाद नैन्सी जैना के पास जाती है ताकि वह उसे बता सके कि अब मिस्टर वाइडमेयर भी उसके साथ हैं, लेकिन उस दिन जैना बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव
करती है और बुरी तरह बात करके वहाँ से नैन्सी को जाने को कहती है। फिर नैन्सी वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नैन्सी को एक सपना आता है जिसमें वह मिस्टर ड्रैकोट की आत्मा को देखती है जो उसे बार बार कहती है कि वो वसीयत एक चाइनीज बॉक्स में है। लेकिन तभी नैन्सी जाग जाती है और पूरी तरह हैरान रह जाती है। फिर अगले ही दिन वह चाइनीज बॉक्स ढूंढने का डिसाइड करती है। इसके बाद नैन्सी को उसके डैड का कॉल आता है। नैन्सी के डैड नैन्सी से बहुत खुश होते हैं क्योंकि तब से नैन्सी उनसे छिपकर केस सुलझा रही होती है और ये बात उसके डैड को पता नहीं होती। नैन्सी के डैड फिर आगे कहते हैं कि आज नैन्सी का बर्थडे है और इसलिए उन्होंने उसके लिए एक गिफ्ट भिजवाया है। ऐसा कहकर वे नैन्सी को बाहर देखने को कहते हैं। फिर जब नैन्सी बाहर जाती है तो उसे क्रॉकी दिखता है, पर वह उसे साइड करती है और देखती है कि उसके फादर ने उसके लिए उसकी फेवरेट कार को गिफ्ट किया होता है जिसे उसका बेस्ट फ्रेंड नेड लाया होता है। नैन्सी नेड और अपनी कार दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और अपने फादर को थैंक यू कहकर कॉल काट देती है। फिर नैन्सी अपने उन दोनों फ्रेंड यानी क्रॉकी और नेट को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर वे दोनों एक दूसरे से मिलकर कुछ खास खुश नहीं होते और फिर वे दोनों नैन्सी के साथ मिलकर चाइनीज बॉक्स बनाने वाले एक बहुत पुराने कारीगर के पास जाते हैं। वहीं पर नैन्सी को परेशान करने वाली वो दोनों फ्रेंड्स भी आ जाती हैं। एक्चुअली में वे दोनों नेट को इम्प्रेस करने आई होती हैं क्योंकि उन्हें नेट बहुत ही हैंडसम लग रहा होता है। खैर, अब नैन्सी उस ओल्ड मैन को सारी बातें समझाकर उनसे यहाँ रखे गए बॉक्स को चेक करने की परमिशन मांगती है। वे ओल्ड मैन बहुत ही अच्छे होते हैं और वे उसे परमिशन दे देते हैं। इसके बाद वे चारों उस शॉप में रखी हुई हर एक बॉक्स को चेक करते हैं मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर तभी उन्हें एक बहुत ही खास और महंगी तरह की चाइनीज बॉक्स दिखता है, लेकिन जब वे उसे खोलते हैं तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता और इसे नैन्सी निराश हो जाती है और सोचती है कि उनके आने से पहले ही किसी ने इस चाइनीज बॉक्स से वो लेटर चुरा लिया है। अब इसके बाद नैन्सी अपने घर जाती है जहाँ पर उसे अपने बेसमेंट के अंदर एक सीक्रेट टनल मिलता है जिसे देखकर वह और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। और फिर जब नैन्सी उस टनल के अंदर जाकर वहाँ की तहकीकात करती है तो उसे पता चलता है कि ये टनल उसके नेबर में रहने वाली आंटी के घर से कनेक्ट होती है और उन आंटी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। फिर नैन्सी समझ जाती है कि जो आवाजें वह अक्सर बेसमेंट से सुना करती थी असल में वो किसी आदमी की आवाज होती थी जो उस खुफिया दरवाजे से हर रोज यहाँ आता था वो लेटर चुनाने, पर उसे वो लेटर नहीं मिलता था और इसलिए वह चला जाता था। लेकिन जब से नैन्सी को वो लेटर मिला तब से उसने यहाँ आना बंद कर दिया और धमकाना शुरू कर दिया। ये निष्कर्ष निकालने के बाद नैन्सी से जैना यानी मिसेस ड्रैकोट की बेटी मिलने आती है और उसे बताती है कि जिस दिन नैन्सी उनसे मिलने आई थी और उसने नैन्सी को भगा दिया था, दरअसल उस दिन उसके अपार्टमेंट में उसके साथ कोई और भी था जिसने उसे धमका रखा था। वह आदमी दिखने में काफी डरावना था और उसकी एक आंख पूरी तरह काली थी और दूसरी नीली थी। वह उसके घर उसकी छोटी बच्ची को लेने आया था और इसी वजह से जैना अब बहुत टेंशन में है। लेकिन नैन्सी उसे शांत होने को कहती है और कहती है कि इस सब के पीछे जो कोई भी है वह उसका पता लगाएगी। फिर नैन्सी रोज की तरह शाम को मिसेस ड्रैकोट की एक फिल्म चलाती है ताकि वह उनके बारे में और भी ज्यादा जान सके। लेकिन तभी उसे उनकी एक फिल्म से कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसका ये पूरा केस सुलझ जाता है। असल में नैन्सी इस वक्त उनकी एक मिस्ट्री फिल्म को देख रही होती है जिसमें मिसेस ड्रैकोट को वैसा ही चाइनीज बॉक्स मिलता है जैसा नैन्सी ने उस दुकान में देखा था। उस फिल्म में जब मिसेस ड्रैकोट बॉक्स को खोलती है तो उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वह बॉक्स के दूसरे सीक्रेट कंपार्टमेंट को खोलती है वैसे उन्हें उस फिल्म में एक डॉक्यूमेंट मिलता है। नैन्सी समझ जाती है कि मिसेस ड्रैकोट ने अपनी वसीयत भी उस चाइनीज बॉक्स में कुछ इसी तरह छिपाई है और ऐसा कहकर जल्दी से वह अपने घर से निकलकर सीधा शॉप पहुंचती है और जल्दी से उस बॉक्स को चेक करती है। उस बॉक्स में भी वैसा ही एक बटन होता है जैसा कि उस फिल्म में दिखाया गया था। तो नैन्सी उस बटन को प्रेस करती है और उसके प्रेस करते ही उस चाइनीज बॉक्स का एक दूसरा कंपार्टमेंट खुलता है। उस कंपार्टमेंट में वही वसीयत होती है जिसे नैन्सी ढूंढ रही थी। ये देखकर नैन्सी खुश हो जाती है और उस कारीगर का शुक्रिया अदा करते हुए वो वसीयत लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी रास्ते में कुछ गुंडे नैन्सी को पकड़ लेते हैं। दरअसल वे लोग घर पर नैन्सी का फोन ट्रैक कर रहे थे और वे कहाँ जा रही है इन सब पर बहुत देर से नजर रख रहे थे। खैर, अब नैन्सी एक अजीब सी जगह में होती है और एक कमरे में होती है। जब वे बाहर देखती है तो वहाँ तीन लोग होते हैं जो टीवी देख रहे होते हैं और उन्हीं से थोड़ी सी दूरी में उस वसीयत के पेपर पड़े होते हैं जिसे नैन्सी इतनी मुश्किल से लाई थी। नैन्सी की नजर उन पेपर पर जाती है और जब वे तीनों टीवी देखने में बिजी होते हैं तभी नैन्सी उनके ऊपर वाले रास्ते से होते हुए एक पिन और धागे के जरिए अपनी तरफ वो वसीयत खींच लेती है, मगर जिस जगह वो चढ़ी होती है वह जगह टूट जाती है और उन तीनों को पता चल जाता है और वे तीनों नैन्सी के पीछे भागने लगते हैं। नैन्सी भी उनसे बचकर भाग रही होती है और अपनी गाड़ी लेकर किसी तरह हाईवे तक पहुंचकर एक्सीडेंट करती है जिससे पुलिस की नजरों में आती है और अगले ही सीन में वो पुलिस स्टेशन में होती है जहाँ पर वह बिल्कुल सेफ होती है।
और तभी वहाँ पर नैन्सी के फादर और मिस्टर वाइडमैन नैन्सी को लेने आते हैं। मिस्टर वाइडमैन नैन्सी और उसके फादर को अपने साथ घर जाने का ऑफर करते हैं। इसी बहाने वह मिस्टर ड्रू के पेपर पे भी साइन कर देंगे। ऐसा कहकर मिस्टर वाइडमैन उन दोनों को अपने साथ अपनी कार में ले चलते हैं। कार में मिस्टर वाइडमैन नैन्सी से वो वसीयत देखने को मांगते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ड्रू नैन्सी को बताते हैं कि एक टाइम पर मिस्टर वाइडमैन मिसेस रेकॉर्ड के लॉयर हुआ करते थे, लेकिन इसके अलावा वह उनके मैनेजर भी रह चुके हैं और मिसेस रेकॉर्ड जो कुछ भी थी वो इन्हीं की बदौलत थी और इसलिए वह मिसेस रेकॉर्ड के सारे कागजात चेक करते थे। नैन्सी अपने डैड की बात मानकर वो वसीयत मिस्टर वाइडमैन को देने ही वाली होती है कि तभी वह मिस्टर वाइडमैन के सिग्नेचर पर गौर करती है और पता चलता है कि उसके नाम का सबसे पहला वर्ड डी से शुरू होता है, यानी मिसेस रेकॉर्ड ने जिसे वो लेटर लिखा था वो मिस्टर डी असल में मिस्टर डैशल वाइडमैन है। साथ ही वह देखती है कि मिस्टर वाइडमैन की आंखें ठीक वैसी ही हैं जैसी जैना ने उसे बताई थी। अब नैन्सी समझ जाती है कि इन सब के पीछे का मास्टरमाइंड मिस्टर वाइडमैन ही है और इस वक्त वाइडमैन नैन्सी से वो वसीयत मांग रहे होते हैं, लेकिन तभी वो वसीयत उन्हें नैन्सी नहीं देती और गाड़ी से कूद जाती है क्योंकि उसके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। पर अपने फादर मिस्टर ड्रू के लिए वह बहुत चिंता करती है और वह अब भी गाड़ी में फंसे हुए होते हैं। खैर अब नैन्सी अपने घर के उसी टनल से होते हुए छिपकर भागने लगती है क्योंकि इस वक्त उसके पीछे वाइडमैन के भेजे गए गुंडे पड़े हुए होते हैं, लेकिन तभी उस टनल में खुद मिस्टर वाइडमैन आ जाते हैं और नैन्सी को पकड़कर वो वसीयत उनके हवाले करने को कहते हैं। लेकिन वसीयत देने से पहले नैन्सी उनसे पूछती है कि आपने मिसेस रेकॉर्ड का कत्ल क्यों किया, तो मिस्टर वाइडमैन बताते हैं कि जब जॉन लेशिंग को स्टूडियो भेजा गया था तब मिसेस रेकॉर्ड उससे अट्रैक्ट होने लगी और उसने उसे अपने घर कामों के सिलसिले से रख लिया, लेकिन इसके बाद वह उसके साथ पर्सनल रिलेशनशिप बनाने लगी जिसके बाद वह प्रेग्नेंट हो गई और जब उसने मुझे ये खबर एक लेटर के जरिए दी तो मैं गुस्से में आ गया क्योंकि उसका वो सीक्रेट लवर मैं ही था। मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, वे मेरी वजह से इतनी सक्सेसफुल हुई थी, लेकिन उसने मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और फिर मैंने गुस्से में आकर उसे मार डाला। वाइडमैन के इतना बताते ही नैन्सी उन्हें धक्का दे देती है और टनल से होते हुए अपने कमरे में भागती है, मगर कमरे में उसे सभी लोग घेर लेते हैं। लेकिन तभी उसी सीक्रेट दरवाजे से मिस्टर जॉन लेशिंग आते हैं और अपना फावड़ा मारकर सबको बेहोश कर देते हैं और तभी उस कमरे में आसपास के सभी लोग आ जाते हैं और फिर नैन्सी रिवील करती है कि असल में जैना मिस्टर लेशिंग की बेटी है और वसीयत के हिसाब से अब मिसेस रेकॉर्ड की सारी जायदाद इन्हीं दोनों की है। नैन्सी के ऐसा कहते ही मिस्टर वाइडमैन एक लंबी सांस लेते हैं और इस तरह ये मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। होप है कि आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।